आपको पता होगा कि यूपी स्कॉलरशिप स्कॉलर आने लगा है। आप सभी को अपना स्टेटस चेक करेंगे और आपका अभी आएगा या नहीं आएगा ये कन्फर्म करेंगे, आप पता पा लेंगे। तो जैसा कि हम आपको बता देंगे, ये यूपी उत्तर प्रदेश का है। तो आप सबसे पहले क्रोम पर जाके या कोई भी गूगल कहीं से भी कुछ खोलेंगे तो आप या तो लिख लेंगे यूपी स्कॉलरशिप या यूपी स्कॉलर NIC.com लिख लेंगे, कुछ भी लिख लेंगे, उस पर आपको पता जाना है। तो सबसे पहले आप पहली वेबसाइट होगी जो सरकारी वेबसाइट होती है उस पर जाएंगे, आप इस वाली वेबसाइट पर जाएंगे तो इस पर ओपन करेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इसमें ओपन करने के बाद आपको अगर रजिस्ट्रेशन इसमें देखना, अगर फ्रेश वाले हैं यहाँ पर आपने पहली साल भरा तो आप फ्रेश पर लॉग इन करेंगे, अगर रिन्यूअल पर है तो आप रिन्यूअल पर को लॉग इन करेंगे। ये हाई स्कूल वालों के लिए है, ये इंटरमीडिएट के लिए है और ये पोस्ट मैट्रिक, यानी आप BA BSc कुछ भी कर रहे हो, ये पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट यानी आप किसी भी राज्य के हैं और स्कॉलर आप चाहते हो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं ग्रेजुएशन कुछ भी, तो यहाँ चेक करेंगे। तो अगर आपका स्कॉलर आया नहीं आया तो यहाँ पर देखेंगे आपका, तो ये एप्लीकेशन वो है प्रोसेस यहाँ पर बताया जाएगा आपका स्कॉलर आया या नहीं आया किस कारण। तो आप सबसे अभी आपके इंटर का डल चुका है और BA BSc का डलना है 21 मार्च के सुन रहे थे, इसलिए आप हम देख के आपको बताएंगे कि रिन्यूअल देख रिन्यूअल है तो हम रिन्यूअल के बताएंगे आपको। रिन्यूअल पर क्लिक करके आप पोस्ट मैट्रिक BSc या BA के लिए इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जो इसमें दी गई जानकारी होगी तो वो जानकारी फिल करेंगे आप, ये जानकारी हम फिल करके आपको बता रहे हैं अभी देखना। आप इसकी जानकारी फिल करेंगे, आप अपनी जन्मतिथि डालेंगे, यहाँ पर जन्मतिथि डालना, ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाला हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के जन्मतिथि डालेंगे आप अपनी, जन्मतिथि जैसे फिल करेंगे उसके बाद आप सब प्रोसेस बताएंगे। यहाँ पर पासवर्ड डालने के लिए या तो आप पासवर्ड आपके पास नहीं है तो आप पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, यहाँ से तो आप अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। पासवर्ड फॉरगेट के लिए आपको प्रोसेस मैं बता दूँ कि आप पासवर्ड फॉरगेट करना है तो आपको ये प्रणाली दी जाएगी, यहाँ पर आप पासवर्ड फॉरगेट करेंगे। पासवर्ड फॉरगेट करने के बाद आपको एक न्यू स्क्रीन मिलेगा, पासवर्ड फॉरगेट हो जाएगा, उसमें आपका पासवर्ड लिखा होगा। तो जैसे हमारे पास हम ऑलरेडी पासवर्ड है हमारे पास, तो हम फॉरगेट करके पासवर्ड बताएंगे आपको, ठीक है। सभी जानकारी फिल कर लीजिए, आपको यहाँ पर अपना कैप्चा डालना है, जो पासवर्ड दिया वो डालना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका ये आ चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन सब ये जानकारी आ चुकी है। आप अपना करंट स्टेटस देखेंगे, आपका किस कारण है, आपका परसेंटेज सब बताएंगे, एक कौन से कॉलेज में आप सब होगा वो आपको बताएंगे, सही या गलत का आप सभी प्रिंट आउट आप फोटो अपलोड सब देख लेंगे। इसके बाद आप देखने के बाद अपना करंट स्टेटस चेक करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, लिखे करंट स्टेटस, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो करंट स्टेटस आप आ जाएगा। अगर जैसे कि हम करंट स्टेटस देखेंगे तो करंट स्टेटस के लिए हम आपको इस पर क्लिक करेंगे, करंट स्टेटस के लिए किसी कारण साइड एरर आने के कारण हम आप करंट स्टेटस तो नहीं देख पा रहे, लेकिन आपका एक माह की वेरिफिकेशन सही होगा तो इसकी जानकारी रहेगी। किसी कारणवश करंट स्टेटस देखने में असमर्थ रह रहे हैं, परेशान नहीं होना आपका, अगर यहाँ पर तो खुल जाता है सही है तो आप यहाँ पर आ जाएगा, आपको रिसीप्ट सब कॉपी साथ उसमें फॉर्म भरना है तो आपको सब पता पड़ जाएगा, या आपकी परसेंटेज सब वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी प्रकार की आपको जानकारी मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको ऐसी ही जानकारी स्कॉलर की बताएंगे, अगर आप फॉर्म रिजेक्ट है तो उसके लिए भी बताएंगे सॉल्यूशन, अभी टाइम होगा तो हम आपको बताएंगे, जरूर देख लेना। आप क्यों खुल जाए अभी साइड काम ना करने के कारण हम देख नहीं सकते, इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्रेस द बेल आइकन, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के पास शेयर करें। स्कॉलर की पूर्ण जानकारी देंगे हम, स्कॉलर भी आपका वो, अगर आप BA BSc कहीं से करना चाहते हैं तो यूपी कैटेट और CUT एंड BU झांसी के लिए स्पेशल बुक है, सभी चीज़ की जानकारी हम बताएंगे आपको। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। सातों मगा मगरे गरे सारी सारी।